सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अजय तिवारी फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ते हैं रस को कैसे पहचानते हैं, जब आता है निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है तो उसको कैसे पहचानेंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना तो आपको कुछ ना कुछ जरूर ऐसा मिलेगा जो आपको पहले से पता नहीं था, ठीक है। इस बारे में जानने के लिए पहले मैंने इसका एक लेक्चर बनाया हुआ है, रसों के बारे में सब कुछ बताया है उसमें, है ना। इसमें हम सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन कैसे देखते हैं इसको देखो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि भाव होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा रस जागृत हो रहा है। आपको खुद अपने अंदर फील करना है कि कैसा कौन सा रस जागृत हो रहा है। जब आपने किसी पंक्तियों को पढ़ा तो उसको पढ़कर यदि आपके हृदय में उत्साह जागृत होता है तो कौन सा रस है, वीरस है। यदि क्रोध जागृत हो रहा है, क्रोध आ रहा है आपको, तो कौन सा रस होगा, रौद्र रस है। यदि हास्य जागृत हो रहा है तो हास्य रस है। यदि रति का भाव आ रहा है तो मतलब श्रृंगार रस है। यदि शोक का भाव आ रहा है कि आपको दुख की अनुभूति हो रही है तो करुण रस है। यदि विस्मय हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है तो कौन सा रस है, अद्भुत रस है, ठीक है ना। इस प्रकार यदि वैराग्य का भाव जागृत हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा, शांत रस है। यदि बच्चों के प्रति प्रेम का भाव जागृत हो रहा है तो हो जाएगा वात्सल्य रस। यदि भगवान के प्रति प्रेम का, है ना, भाव जागृत हो रहा है तो हो जाएगा भक्ति रस। तो किस विषय में वर्णन हो रहा है उन पंक्तियों में उसी प्रकार से रस हो जाता है, ठीक है ना। तो एक एक करके हम समझेंगे और जानेंगे कौन सा रस है, ठीक है। सबसे पहले लिखा है ही खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, है ना। तो इसका मतलब हो रहा है, समझ में आ गया होगा कि जो राम भगवान है सीता का जब हरण हो गया है तो उनके वियोग में खग मृगों से पूछ रहे हैं कि आपने सीता को देखा है। उनके वियोग में इतने पागल हो रहे हैं कि वहां पे खग और मृगों से भी पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक श्रृंगार रस है और वियोग श्रृंगार। वैसे तो यहाँ पे दुख की अनुभूति है, लेकिन दुख दुख वैसा दुख नहीं है, किसी के वियोग के कारण दुख है। एक नायक का जब नायिका के वियोग के प्रति दुख होता है उसमें वियोग श्रृंगार होता है। तो ध्यान रखना वहां पे करुण रस नहीं आएगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे होगा श्रृंगार रस। और कौन सा श्रृंगार, वो भी है वियोग श्रृंगार, ठीक है। अब देखो नवते झटपट बाज लखी मोलियो सकल प्रपंच कंपित तन। यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ आपको शब्द ऐसे मिल जाएंगे जिससे आप समझ जाएंगे कौन सा रस है। देखो यहाँ पे क्या लिखे, कंपित तन व्याकुल नयन। तो आदमी का तन कब कांपता है, कब उसकी नयन व्याकुल हो जाते हैं, कब उसका तन जो होता है कांपने लगता है, जब इंसान को भय की अनुभूति होती है तभी उसका तन कांपता है ना। तब कब कब कांपता है इंसान का जो तन होता है, कब कांपता है, जब भय की अनुभूति होती है। तो इसमें कौन सा रस है, इसमें रस होगा भयानक रस। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, भय, है ना। तो देखो यहाँ पे एक क्या कह रहा है कि नवते झटपट बाज लखी, जैसे ही एक पक्षी को बाज ने झपटा मोलियो सकल प्रपंच कंपित तन, उस पक्षी का तन कांपने लगा, नयन व्याकुल हो गए और लायक हिलोना रंज, उसको एकदम स्तब्ध हो गया, मतलब उसका शरीर हिलने लायक भी नहीं रहा। इस टाइप से एक पक्षी की व्यथा को बताया गया है ना। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, भयानक रस। देखो यहाँ पे सिर पर बैठो काग आंख दो हाथ नकारत, इसमें बताया गया है कि एक जो कौवा है वो किसी जानवर के सिर पर बैठ के उसकी आंखों को नोच नोच के खा रहा है। इसका मतलब कैसे विषय में इसमें वर्णन हुआ है, इन पंक्तियों में ऐसे विषय पर वर्णन हुआ है जिससे हमें देख के घृणा का बोध होगा, है ना। तो घृणा मतलब होता है जुगुप्सा, घृणा का बोध होता है। तो वहां कौन सा रस होता है, तो यहाँ पे होगा विभत्स रस। ध्यान रखना यहाँ पे कौन सा होगा, विभत्स रस। इसके बाद देखो क्या पूजा क्या अर्चना रे उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। इसमें भगवान के प्रति प्रेम के बारे में बताया गया है कि कोई क्या कह रहा है ना। तो इसका मतलब कौन सा रस हो जाएगा, इसमें हो जाएगा भक्ति रस। यशोदा हरि पालने झुलावे, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है यशोदा के प्रति, यशोदा हरि पालना झुलावे। तो किसे, मतलब कान्हा के बारे में बात हुई, कान्हा को पालना झुला रही है उनकी माँ यशोदा। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, वात्सल्य रस। इसके बाद देखो मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया और गोदी लेकर चूम चाम गीले गालों को सुखा दिया। मतलब इसमें भी वात्सल्य रस है, एक माँ का अपने बच्चों के प्रति प्रेम का भाव बताया गया है, इसके लिए यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वात्सल्य रस। वे पूछ उठे ओ लाला जी तुम किस चाकी का खाते हो, इस डेढ़ छटाक के राशन में
यूं तौंद बढ़ाई जाती हो। अब आपको सुन के अलग थोड़ी सी हंसी आ रही होगी, मतलब बे पूछ उठे ओ लाला जी, तुम किस चाकी का खाते हो, यो डेढ़ छटाक के राशन में यो तौंद बढ़ाई जाती हो, मतलब इसमें हास रस है। कौन सा रस है इसमें? हास है। ध्यान रखना, रस का नाम भी हास होता है, लेकिन जो स्थायी भाव है वो भी हास है, लेकिन वो हास ऐसा होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद इसको देखो, एक एग्जाम्पल और है। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये है वीर रस का उदाहरण, है ना, किसका है? वीर रस का उदाहरण, क्योंकि इसको सुनकर एक उत्साह की अनुभूति होती है ना, किसकी? उत्साह की। वैसे महारानी लक्ष्मी बाई की वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है, इसमें कौन सा है? इसमें भी किसका? वीर रस का उदाहरण है, उत्साह का बोध होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और उसके पास में बनी हुई बेल पर क्लिक कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।